हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी मैं हूँ अपने गांव के ठीक ऊपर में और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो चुके हैं सुबह के 6:30 और आज का प्लान कुछ ऐसा है। अपने गाँव से थोड़ी दूरी पर ये वाला रास्ता है, ये जाता है जंगल से सीधे आगे की ओर। और यहाँ से जो व्यू है लिटरली काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है और मेरे पीछे का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे, जो ये जंगल है पूरी तरह से घास से भर चुका है, क्योंकि पिछले लगातार 1-2 हफ्तों से बारिश हो रही थी। लगातार इससे जो ये घास है ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और ये जो है यहाँ से हमारा जो गाँव का जंगल है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यहाँ से लेकर और इधर काफ़ी दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। अभी जो जो एक्टिविटी हम करेंगे वो आपको बता देंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। साथ है मेरा छोटा भाई और ये और मैं चलेंगे सीधे मंदिर में उस साइड। तो हम क्रॉस चुके हैं ये वाली धार और इस वाली धार से जो है यहाँ से इस साइड जो है काफ़ी ही ज़्यादा धूप लगी हुई है। इस साइड तो फिर भी उतनी धूप नहीं थी, लेकिन बगल वाला जो रास्ता है इसमें काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है। और हम अच्छा, इस जगह का नाम है कोलपानी। और यहाँ से जो लोग हैं इधर नीचे जा रखे हैं घास के लिए, कुछ लोग यहाँ ऊपर भी हैं। मेरे पीछे जो आप घास देख रहे हैं सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और हम चलेंगे इस वाले रास्ते पे, तो चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है। और ये जो जगह है सच में यहाँ का व्यू। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमने क्रॉस कर दिया ये छोटा वाला रास्ता और यहाँ पे हमको मिलते हैं 3 रास्ते। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है हमारे गांव के लिए, और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है सीधे फील्ड में जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ से है एक रास्ता जो जाता है सीधे मंदिर के लिए। तो अभी हम चलेंगे इस वाले रास्ते पर। जो रास्ता है इस रास्ते के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम सो रही थी, लेकिन आज का मौसम कुछ ऐसा है कि धूप लगी हुई है। और ये जो रास्ता है ये जाता है मंदिर की तरफ। तो अभी चलते हैं। पीछे का व्यू है वो तो सच में ही काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको अभी अपने सामने का व्यू बता देता हूँ। वाह, क्या बात है। ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पेड़ है ये पेड़ है आंवले का। अभी ये छोटा है तो इस पे आंवले नहीं आए हुए हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पे भी आना शुरू हो जाएंगे आंवले। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। चल भाई, जगह जगह पे जो हैं वो पत्थर हैं, कहीं पर कुछ पेड़ टूटे हुए हैं, कहीं पर कुछ पत्थर हैं और कुछ इस तरह के, कहीं पर कुछ इस तरह की झाड़ियाँ हैं। और रास्ता जो है ये रास्ते में आपको ये जो ये दिख रहा होगा इसे कहते हैं तिनका, जो ये चीड़ के पेड़ हैं इन्हीं से नीचे गिरा है। पहले तो ये हरा रहता है, जब कुछ दिन बाद धूप में सूख जाता है तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है। और जो ये रास्ता है ये पूरा इसी से भरा हुआ है। तो चलते, हम बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इस साइड से आए थे, लेकिन आप चलेंगे इस धार से। इस धार से कुछ नीचे का व्यू कुछ इस तरह दिखाई देता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पे भी
आंवले लगने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पेड़ है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ से जो व्यू है सच में लिटरली काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये जो चोटी है ये भी दिखाई दे रही है काफ़ी क्लीन। और इस धार से जो व्यू है वो है कुछ ऐसा। और इधर जो है ये है जंगल। वाओ, ये पेड़ आपको देख रहे हैं, ये वाला जो पेड़ है इसकी आकृति तो लाजवाब है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सच में बहुत ही ज़्यादा आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, और इस पेड़ की आकृति तो आप देख ही सकते हैं, त्रिशूल टाइप की, वाई टाइप की बनी हुई है। काफ़ी विचित्र चीज़ प्रकृति में देखने को मिलते हैं। और यहाँ जो है हमारे गाँव के कुछ लोग घास के लिए आ रखे हैं। ओ भाई साहब, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? जो ये वाला पेड़ है शायद उतनी ऊपर से हुआ है, और ये इतना लंबा पेड़ इसने जो है पूरे रास्ते को कवर कर रखा है, सीधे यहाँ नीचे तक ये गिरा हुआ है। लोग अभी हमको इसके अंडरग्राउंड कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। चल पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ। और ये बहन जो आ जाता हूँ कुछ नहीं फैल दे। चलो झपट खान माना के मेरा तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर में। और यहाँ से ये जो मंदिर है सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा मंदिर है। ये जो मंदिर है ये बना हुआ है जंगल के बीचों बीच, जो कि सच में एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि इस पूरे जंगल में ना कहीं रोड है ना कुछ, तो कैसे इस मंदिर को बनाने के लिए जो कैसे तैयार की होगी। और यहाँ इस साइड जो है ये है लड़ाई कपिल, यहाँ नीचे लोग चप्पल ना लिखो तो देवी ना खबड़ी तरह। वाह, सच में काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा मंदिर है, पूरे इस सुनसान से जंगल के बीच में बसा हुआ मंदिर। तो ये रास्ता जो था यहाँ से हम आए थे अपने मंदिर के लिए, तो यहीं से चलने में यहाँ घर। तो अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और आज का ब्लॉग करते हैं यही पे ख़त्म। आई होप कि आपको आ रहे हैं जिस रास्ते हम सुबह गए थे, तो ख़त्म करते हैं ये वाला ब्लॉग। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही पहाड़ी कट से हर एक वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।